नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग और प्रशासनिक विभाग, ये दोनों विभाग मिलकर एक नए सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर ये सॉफ्टवेयर बन जाता है तो भूमि विवाद जितने भी बिहार में होते हैं, इसकी समस्या का समाधान जो है तुरंत तुरंत हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपका सारा चीज़ आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर के मदद से जितने भी ये भूमि विवाद होते हैं उनका अलग अलग जो है कोड होगा। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए किसी का सरकारी ज़मीन अतिक्रमण का केस होगा, किसी का रास्ता का केस होगा, तो किसी का जो है अलग जो मान लीजिए अतिक्रमण हटाने का केस होगा, तो किसी का सीमा विवाद होगा, तो ये सारे विवादों का जो है अगर अलग अलग यूनिक कोड होंगे तो इनका समाधान जो है जल्दी होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों विभाग द्वारा मिलकर काम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक विभाग का काम होता है सारा प्रशासन को हैंडल करना। तो यहाँ पर जितने भी केसेज आ रहे हैं अभी लगभग भूमि विवाद से ही आ रहे हैं, तो प्रशासनिक भी जो है समस्या हो रही है यहाँ पर। तो इसको देखते हुए दोनों विभागों द्वारा यहाँ पर मिलकर यह कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भूमि विवाद की जो समस्या है जड़ से जो है ख़त्म किया जा सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये उच्च अधिकारी जो होते हैं ये हमेशा जो है तत्पर रहते हैं कि ये सारे जो आ रहे हैं केसेस इनको ख़त्म कर दिया जाए, और जो यहाँ पर स्थानीय अधिकारी होते हैं वो इनको गुमराह करते रहते हैं। ये रियल बात है। आप देखिएगा, मान लीजिए आपके स्थानीय में जहाँ पर आप लोग केस किए होंगे, चाहे आप स्थानीय जहाँ CO अंचल प्रभारी को आवेदन दिए होंगे, तो वहाँ पर जो आप लोग केस करते हैं तो वहाँ पर उनको जो आप समस्या लेकर जाते हैं तो वहीं पर गुमराह हो जाता है और वो बात जो है उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्थानीय अधिकारी होते हैं ये हमेशा जो है उच्च अधिकारी को जो है गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है और प्रशासनिक विभाग और राजस्व भूमि सुधार के विभाग जो यहाँ पर ये दावा कर रही है कि अगर ये सॉफ्टवेयर बन जाते हैं तो इसका अलग यूनिक कोड होगा और इससे क्या होगा कि केस जो होंगे उसका हमेशा निगरानी की जा सकती है और इस पर जो भी मान लीजिए अधिकारी गलती करेंगे उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और ये जितने भी केसेस होंगे इनको तुरंत से दूर जो है समस्या का समाधान मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ज़मीन का कौन कौन विवाद है और कौन कौन यहाँ पर प्रकार हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इन सब अगर भूमि विवाद अगर आपका भी है, चाहे भविष्य में होने की संभावनाएँ हैं, तो इसका अलग जो है कोड मिलेंगे अगर आप कहीं भी आवेदन देते हैं तो। देखिए दोस्तों, आप लोग पिछले ही वीडियो में जाना कि अगर आपका भूमि विवाद का केसेस हैं तो वो जो है आप थाना प्रभारी और CO के पास जो है आवेदन देकर जो है अपनी समस्या को समाधान के लिए आवेदन दे सकते हैं और वहां पर उनकी समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो आप जो है शुक्रवार को जिला अधिकारी के पास भी जाकर आग्रह आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है भूमि विवाद का अगर आपका मान लीजिए संभावनाएँ हैं, चाहे अभी हो रहा है, तो इसका समाधान जो है यहाँ से आपको मिल सकता है। लेकिन जिन लोग का सिविल कोर्ट है तो उनका तो अब कोई समस्या नहीं, उनका सिविल कोर्ट के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जितने भी केसेस होंगे, चाहे सिविल कोर्ट के होंगे, चाहे जो भी मतलब मामला होंगे, उसका सबका जो है यूनिक कोड यहाँ पर देने की तैयारी की जा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कि राज्य में भूमि विवाद के मामलों को समाप्त करने के लिए सरकार की जो है नई पहल है। इसमें बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े हर केस का अपना यूनिक कोड होगा और यहाँ पर सारे वो प्रकार भी बताए गए हैं कि कौन कौन से जो है भूमि विवाद की संभावना होती है, चाहे कौन कौन विवाद जो है होते हैं, और इसका जो है यूनिक कोड यहाँ पर मिलेंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि क्या चीज़ जो है नई पहल की गई है राज्य में। देखिए दोस्तों, राज्य में जमीन के जुड़े हर मुकदमे का अब एक अलग यूनिक कोड होगा। यह कोई विवाद की गंभीरता को इंगित करेगा, यानी कि अगर ये यूनिक कोड मिल जाता है वहाँ पर बताए जाएंगे कि अगर ये यूनिक कोड है तो मतलब कि इसका विवाद जो है गंभीर है, इसको तुरंत जो है लेकर इसका समाधान का कर दिया जाए, नहीं तो उसका आपराधिक मामला घट सकता है। तो इसीलिए जो है ये कदम उठाए गए हैं भूमि राजस्व सुधार एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा। देखिए दोस्तों, इसी के साथ सभी भूमि विवाद को राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 11 श्रेणियों में बांटने का फैसला किया गया है। यानी कि जितने भी भूमि विवाद होते हैं उनका अलग अलग यहाँ पर श्रेणी कर दिया गया है और किसी भी स्तर के कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग एवं सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। यानी कि जो आपका सिविल कोर्ट का केसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा तो जो है निर्णय हमारे पक्ष में मिल गया है, लेकिन जहां हम घर मकान वहां बनाने जाते हैं तो फिर से जो है वो लोग चढ़ाई करा देते हैं, चाहे स्थानीय जो प्रशासन होते हैं उनके माध्यम से जो है वहाँ पर रोक लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट भी आता है, तो इस तरह की समस्याएँ जो है अब नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है स्थानीय कर्मचारी की गलती होती है, चाहे वो पैसा लेकर चाहे कुछ लेकर जो है वहाँ पर स्टे लगा देते हैं। हालाँकि वहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर होता है कि सबको वहाँ पर मानना पड़ता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हमने सुने हैं जो कि यहाँ पर पूछते हैं हमसे कि ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें। तो हम बोला है कि इसमें आप कर सकते हैं, वहाँ तो गलती हो रहा है, मान लीजिए कोर्ट का निर्णय है तो सबका तो मानना होगा, चाहे वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर इस तरह का अगर सॉफ्टवेयर विकसित हो जाएंगे तो इसकी गलती का जो है ऊपर तक जो है बात जाएंगे और जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए दोस्तों, ये राज्य में जमीन से जुड़े विवादों के निस्तांतरण से उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार प्रणाली विकसित कर रही है। नई व्यवस्था होने पर स्थानीय अधिकारी उच्च अधिकारी को गुमराह नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। भूमि विवाद से जुड़े हर केस को यूनिक कोड रखने से फैसला यह होगा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग और गृह विभाग तथा बिहार प्रशासनिक सुधार विभाग ने मिशन ने संयुक्त बैठक कर लिया है। यानी कि यहाँ पर प्रशासनिक विभाग द्वारा और राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा, यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है बिहार सरकार के, यहाँ पर तीनों विभागों द्वारा जो है एक ज्वाइंट जो है मीटिंग हो चुका है और इसका निर्णय भी हो चुका है। यानी कि अब बिहार में जो है आप लोग को नए सॉफ्टवेयर से जो है अब काम किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि कोड अंकित करेगा मामलों की संवेदनशीलता। यानी कि जो ये 11 तरह के मैं आपको बताऊंगा भूमि विवाद के प्रकार, ये 21 तरह के भूमि विवाद है, वहाँ पर वो पता चल जाएंगे। अगर ये कोड जैसे मिल जाएगा, हर एक अलग अलग कैटेगरी होगा विवाद का, अलग अलग कोड होंगे, तो कोड ये यूनिक जो कोड होंगे वो बता देगा कि आपका जो है गंभीर मामला है या आपका मामला जो है कुछ दिन तक जो है टल सकता है। इसका मतलब कार्रवाई कितना दिन में किया जाए इसकी जो है वहाँ पर बता देंगे। और साथ में जो है एक यूनिक कोड से ये हो भी होगा कि जो है स्थानीय कर्मचारी जो है उच्च स्तर के जो कर्मचारी हों उनको गुमराह नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी काम होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमि विवाद को लेकर थाना से लेकर मुख्यालय स्तर पर बैठक कर कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर विवाद को कोड दिए जाएंगे और उनके स्थल संवेदनशीलता, पूर्व का इतिहास आदि ब्यौरा आधारित होगा। मान लीजिए जो भी यहाँ पर कोड दिए जाएंगे ना, उसका कैसा विवाद है, उसका इतिहास भूगोल सब चेक करके जो है वहाँ पर कोड दिए जाएंगे और जो कोड मिल जाएगा उसके अनुसार से जो है यहाँ पर काम किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी अधिकारी कोड देखकर पता कर लेगा कि यह मामला अपराध बढ़ाने को लेकर कितना संवेदनशील है, साथ ही इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है। यानी कि मान लीजिए कोई अगर ऐसा मामला होगा तो कोडवा से पता चल जाएगा कि जो है आगे चल के जो है इसमें अपराध हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसा मामला है, इसका पूरी जानकारी मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि उसका समाधान जो है तुरंत करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों, अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति पर काम करने की भी चर्चा की गई है। यानी कि अभी जो है तुरंत जो है कौन सा काम किया जाए और लंबे समय तक जो है कौन काम किया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमि विवाद के निस्तांतरण के लिए सरकार अल्पकालीन या दीर्घकालीन रणनीति के तहत काम करेगी। सामान्यतः मामलों का तत्काल समाधान करना होगा, जरूरत पड़ने पर अधिकारी FIR भी दर्ज कर सकेंगे। कोर्ट के फैसले का तुरंत पालन करना होगा। पचीदा मामलों को दीर्घकालीन रणनीति अपनाई जाएगी और ऐसे मामले में संबंधित विवाद को स्थल क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। यानी कि इस मीटिंग में दो तरह के यहाँ पर रणनीति भी अपनाई जाएगी, यानी कि एक दीर्घकालीन होगा, एक अल्पकालीन होगा। जो यूनिक कोडवा मिलेगा उससे आपको पता चल जाएगा केस के बारे में और उस केस के बारे में वहाँ पर यह भी रणनीति ले लिया जाएगा कि इसको दीर्घकालीन तक जो है, मान लीजिए जो पेचीदा मामला है जिसमें कुछ जो है निर्णय जल्दी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उस पर स्थलीय जाँच भी करना होगा, बहुत सारे वहाँ पर रिपोर्ट देना होता है, तो उस तरह का जो पेचीदा मामला होगा तो वहाँ पर दीर्घकालीन भी जा सकता है। और जो मान लीजिए अल्पकालीन का मामला होगा, यानी कि तुरंत जो है उसका समाधान मिल सके, वो जो है लंबे समय तक ना जाए, इस यहाँ पर जो है उस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि उसका जल्दी जो है समाधान मिल जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला है सरकारी भूमि का कब्जा का विवाद। देखिए दोस्तों, अगर आप सरकारी जमीन के बारे में नहीं जानते हैं, किसको हम सरकारी जमीन बोलते हैं, तो ऐसे बहुत 9-10 सरकारी जमीन होते हैं और उसका प्रकार अलग अलग होता है। वो सारे हम चर्चा जो है भूमि सर्वे सीरीज में हम आपको करेंगे और PDF के साथ करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चल सके, उसका सर्वे भी कैसे होगा और जो मान लीजिए अतिक्रमण कर रखा है तो उसका क्या हाल होगा। अभी तो वो सारा चीज़ जो है भूमि सर्वे सीरीज में आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों में आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, उसका कुछ जो है कारण था, इसी के लिए जो है भूमि सर्वे का आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि अपडेट आपको दे दें, तो इसीलिए जो है अपडेट 2-3 दिन से हम आपको दे रहे हैं। जल्द जो है आपको भूमि सर्वे सीरीज जो है हम जो छोड़े थे जहाँ से वहाँ से शुरू करेंगे, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, तो ये सब आप डाउट बिल्कुल ना रखिएगा। सरकारी भूमि का अतिक्रमण के बारे में यहाँ बताया गया है, अगर इस तरह के मान लीजिए विवाद होगा तो इसका अलग कोड होगा। बंदोबस्त भूमि से देखली का मामला, मान लीजिए किसी का अवैध दखल कर रहा है तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से विचाराधीन मामले वाली भूमि को लेकर विवाद एवं कोर्ट से आदेश अनुपालन के समय उत्पन्न विवाद, यानी कि जितने भी विवाद के प्रकार होते हैं सबका अलग अलग कोड होगा। हम आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरह के विवाद है तो आपका क्या कोड दिए जाएंगे, ये सारा चीज़ में बताया गया है। राजस्व कोड में विचाराधीन मामले वाली भूमि को लेकर विवाद एवं कोर्ट के आदेश के अनुपालन के समय विवाद, यानी कि सिविल कोर्ट में लंबित मामले में भूमि को लेकर विवाद एवं कोर्ट के आदेश अनुपालन के समय उत्पन्न विवाद, यानी कि हर समय का जो विवाद है इसका अलग अलग कोड दिया जाएगा। मान लीजिए अगर निर्णय होने के बाद, अगर कोर्ट का मान लीजिए निर्णय हो गया उसके बाद अगर विवाद है तो उसका क्या होगा, उसका भी कोड दिया जाएगा, उसका कितना जल्दी में सोल्यूशन करना है, तो हर एक चीज़ जो है इसमें निर्धारित
की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों भूमि मापी के सीमांकन के समय में उत्पन्न विवाद, लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में उत्पन्न विवाद, निजी रास्ता का विवाद, पारिवारिक भूमि बंटवारा से विवाद, अन्य विवाद, तो ये सारे जो विवाद हैं इसका अलग अलग जो है श्रेणी यहाँ पर बांट दिया गया है और इसका अलग अलग यूनिक कोड दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का कोर्ट का फैसला हो गया है और उसका जो है वहाँ पर कोर्ट जो है किसी पक्ष में निर्णय दे दिया है और वहाँ पर वो घर मकान बनाने जा रहा है, तो वहाँ पर जो स्थानीय जो प्रशासन है वो जो है रोक लगा देते हैं, क्योंकि जो विपक्षी होता है वो आवेदन कर देता है, तो उस सारे परेशानी करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, तो इस सारे चीज़ों को यहाँ पर अलग से अगर यूनिक कोड मिल जाएगा तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जो है ये केवल जो है फंसाने का मामला है। तो वहाँ पर होगा क्या कि जो है तुरंत जो है इसका फैसला दे दिया जाएगा और उनका जिसका मान लीजिए पक्ष में निर्णय आया होगा तो उनका घर मकान बनाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख देख कर जो है यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये टाइम पर अगर सॉफ्टवेयर बनाकर इस ढंग से जिस तरह से यहाँ पर अपडेट दिए जा रहे हैं उस तरह से काम होंगे तो मानिए कि मतलब भूमि विवाद की बहुत सारे लोगों की जो है समस्या है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में जो है प्रमंडलीय आयुक्त जो थे अग्रवाल जी, उन्होंने तो बोले थे कि जो है इस तरह की व्यवस्था कीजिए और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दे थे। आज अपडेट आया कि तीनों प्रशासनिक विभाग, राजस्व भूमि विभाग और होम मिनिस्ट्री, तीनों विभाग मिलकर जो है नए सॉफ्टवेयर का जो है निर्माण कर रहे हैं। तो अगर ऐसा काम हो रहा है तो इसका मतलब भूमि विवाद को लेकर जो है ज़्यादा यहाँ पर सरकार एक्टिव दिख रही है, क्योंकि इसकी समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा अभी बिहार में हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का ये अपडेट आपको पसंद आए होंगे और दोस्तों हर शाम का आपका भूमि सर्वे का सीरीज अब आएंगे ही आएंगे, आप लोग इसके लिए टेंशन बिल्कुल ना रखिए, सारा चीज़ हम आपको उसमें बता देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।